नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉइजी में। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्रुएल्टी एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। तो इसमें दो शब्द आ रहे हैं, क्रुएल्टी एंड डिवोर्स। सबसे पहले इन दो शब्दों को समझना का प्रयास करेंगे। क्रुएल्टी का मतलब हिंदी में क्रूरता होता है। तो क्रूरता का मतलब सिर्फ फिजिकल टॉर्चर ही नहीं होता है, यानी मारना पीटना, शारीरिक हिंसा करना, सिर्फ यही क्रूरता में नहीं आता है। वर्तमान में अनेक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि जो मेंटल क्रुएल्टी है, मेंटल मतलब मानसिक रूप से किसी को परेशान करना, तंग करना भी क्रूरता की श्रेणी में आता है। और ये क्रूरता विवाह में यदि होने लगे, यानी विवाह के जो दोनों पक्षकार है, पति अथवा पत्नी, एक दूसरे के साथ क्रूअल बिहेवियर यानी क्रूरतापूर्ण आचरण करते हैं, तो ये एक डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। तो इसी को लेकर आज का वीडियो लेक्चर है। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉइजी में। तो क्रुएल्टी इज द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। एज वी नो दैट मैरिज जो होती है, जो विवाह होता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार हिंदू धर्म में माना जाता है। अन्य धर्मों में इसे एक कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा दिया गया है। यानी विवाह कुल मिला के इट इज अ यूनियन ऑफ टू पीपल, दो लोगों का यूनियन होता है विवाह। और विवाह के बाद ये एक्सपेक्टेशन की जाती है, ये आशा की जाती है कि दोनों पक्षकार एक दूसरे के साथ अच्छा आचरण चलेंगे, एंड दे बिकम इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द लाइफ, यानी वो जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं। इन्हें विवाह के बाद दोनों एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अफेक्शन, म्यूचुअल ट्रस्ट, ये सब रखेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनेक केसेस में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं, वैवाहिक विवाद अराइज हो जाते हैं। तो मैरिज में ऐसा कहा जाता है कि दोनों पक्षकार एक दूसरे के इनसेपरेबल पार्ट बन जाते हैं थ्रू आउट द लाइफ, यानी पूरे जीवन के लिए वो एक दूसरे के अभिन्न अंग बन जाते हैं। बट डिस्प्यूट्स एंड डिफरेंसेस ऑकर्स। लेकिन कई बार हमने देखा है कि विवाह के बाद अनेक डिस्प्यूट और डिफरेंसेस यानी मतभेद प्रारंभ हो जाते हैं। वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, डिस्प्यूट लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। और ये कई बार एक दूसरे को क्रुएल्टी, यानी क्रुएल्टी का मतलब क्रूरतापूर्ण आचरण करने पर मजबूर कर देता है। तो ये क्रुएल्टी होता है क्या, व्हाट इज क्रुएल्टी? तो सबसे पहले हम इस क्रुएल्टी को समझेंगे। इसको हिंदी में क्रूरता कहा जाता है। तो क्रूरता मतलब इट कैन बी वायलेंस, ये वायलेंस भी हो सकता है, मतलब हिंसा हो सकती है, जैसे हाथ उठाना, मारपीट करना, दोनों में से कोई भी पक्षकार एक दूसरे के साथ यदि हिंसा कर रहा है तो ये क्रूरतापूर्ण व्यवहार कहलाएगा। इनह्यूमन बिहेवियर, ऐसा कोई व्यवहार जो अमानवीय है, अनएक्सपेक्टेड, यानी जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है, इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, तो यह भी क्रूरता की श्रेणी में आता है। कोई ऐसा कार्य करना, कोई ऐसा एक्ट करना जो कि अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड है, अनपेक्षित है, जैसे किसी की तरफ ध्यान नहीं देना, एक पक्षकार विवाह का, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, एक पक्षकार बीमार है लेकिन फिर भी उसको दवाई लेके नहीं दे रहा है, या उसकी तरफ केयर नहीं कर रहा है, या नेग्लेक्ट करना, उपेक्षापूर्ण व्यवहार करना, फिजिकल और मेंटल, ये फिजिकल भी हो सकता है, शारीरिक क्रूरता भी होती है और मानसिक क्रूरता भी होती है। अब हम बात करते हैं मैट्रिमोनियल रिलेशन। जब विवाह होता है तो दोनों के बीच में एक दाम्पत्य जीवन प्रारंभ होता है, जिसे हम मैट्रिमोनियल रिलेशन कहते हैं। और इस मैट्रिमोनियल रिलेशन अधिकतर ये रिलेशन बेस्ड होता है इमोशंस पे। इमोशंस मतलब भावनाप्रद रिश्ता होता है, एक दूसरे के प्रति सेंटिमेंटल होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कई बार नहीं हो पाता है। तो इट इज अ रिलेशन ऑफ द इमोशंस, इट इज अ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी विश्वास का एक रिश्ता उत्पन्न होता है। इट इज अ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे का आदर सम्मान करने का एक रिश्ता होता है। म्यूचुअल लव एंड अफेक्शन, एक दूसरे के प्रति प्रेम और केयर करना, देखभाल करना, ऐसी एक्सपेक्टेशन दोनों पक्षकार एक दूसरे से करते हैं। तो विवाह के बाद ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि एक इमोशन बेस्ड रिलेशन होता है, तो एक दूसरे के प्रति अपेक्षाएं होती है। लेकिन ये कई बार एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के प्रति इनह्यूमन ट्रीटमेंट करने लगता है या अननेचुरल एक्ट करने लगता है, तो जिस वजह से अन्य पक्षकार के इमोशंस जो होते हैं, भावनाएं जो होती है, वो ब्रेक होती है, और इट कॉजेज मेंटल हरासमेंट, और व्यक्ति को मेंटल हरासमेंट होता है। हिंदू मैरिज एक्ट की यदि हम बात करें, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में क्रुएल्टी जो था, इट वॉज नॉट ग्राउंड ऑफ द डिवोर्स। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जब 1955 में कानून बना था तो क्रुएल्टी वॉज नॉट द ग्राउंड ऑफ इनिशियल, यानी शुरू में, शुरुआती दौर में क्रुएल्टी को ग्राउंड के रूप में नहीं रखा गया था। ऑल दो इट वॉज कैप्ट एज अ ग्राउंड ऑफ जुडिशियल सेपरेशन अंडर सेक्शन 10, धारा 10 में जो न्यायिक पृथक्करण बताया गया उसका एक ग्राउंड था, जुडिशियल सेपरेशन का, जो धारा 10 में बताया गया। लेकिन 1976 में, 1976 में अमेंडमेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से अमेंडमेंट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई क्रुएल्टी की डेफिनेशन क्लियर नहीं दी गई है, और क्रुएल्टी इट कैन बी ग्राउंड ऑफ डिवोर्स एज वेल। तो अमेंडमेंट हुआ 1976 में, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत एक संशोधन किया गया, और संशोधन में
क्रुएल्टी को ग्राउंड के रूप में ऐड किया गया, यानी क्रुएल्टी भी डिवोर्स का एक ग्राउंड हो सकता है। यदि कोई भी पक्षकार एक दूसरे के साथ क्रूरतापूर्ण आचरण कर रहे हैं और अन्य पक्षकार यदि न्यायालय में उसके क्रूरतापूर्ण आचरण को साबित कर देता है, सिद्ध कर देता है, तो ऐसी स्थिति में इट कैन बी दी ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। सो इट कैन बी गिवन टू हस्बैंड एज वेल एज वाइफ, यानी दोनों पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार को यह प्राप्त हो सकता है। डाइवोर्स की पिटीशन यदि हस्बैंड फाइल करता है तो उसे पत्नी द्वारा किए गए क्रूरतापूर्ण आचरण को सिद्ध करना होगा। यदि वाइफ द्वारा डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की जाती है तो हस्बैंड के द्वारा किए जाने वाले क्रूरतापूर्ण आचरण को वाइफ को सिद्ध करना होगा। अब किन बातों को क्रुएल्टी इन द आई ऑफ द लॉ, कौन कौन से ऐसे कई रूलिंग आए, अनेक जजमेंट्स आए, उन जजमेंट्स के आधार पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से क्रुएल्टी को माननीय न्यायालय ने क्रुएल्टी को डिवोर्स का ग्राउंड माना है। तो ऐसे अनेक केसेस हुए, जैसे पहली बात नॉट पॉसिबल टू लिव टुगेदर। अनेक केसों में ये वर्डिक्ट आया कि यदि पक्षकार साथ रहने में पॉसिबल नहीं, अब कोई गुंजाइश नहीं है साथ रहने में, क्योंकि दोनों को एक दूसरे को कोई मेंटल टॉर्चर हो रहा है, फिजिकल टॉर्चर हो रहा है। तो इस स्थिति में सबसे पहला ग्राउंड है कि इट इज वेरी इम्पॉसिबल टू लिव टुगेदर फॉर एनी स्पाउस, यानी अब साथ रहना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, तो ये एक बड़ा ग्राउंड होता है। फॉल्स एलिगेशन, यदि विवाह का कोई पक्षकार झूठे आरोप लगाता है, मान लीजिए पति जो है वो झूठे आरोप लगाता है या पत्नी झूठे आरोप लगाती है इलिसिट रिलेशन के बारे में, यानी अवैध संबंध के बारे में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, या कोई एक पक्षकार भी लगाता है तो दूसरे पक्षकार के लिए ये मेंटल क्रुएल्टी का एक ग्राउंड होता है, अनेक केसेस में निर्धारित हुआ। कॉजिंग हार्म, किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना, कॉजिंग हैरेसमेंट, किसी प्रकार का हैरेसमेंट देना, हर्ट, चोट पहुंचाना, तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ द, इसको भी क्रुएल्टी की श्रेणी में रखा जाता है। और अनेक निर्णयों में न्यायालय ने हार्म को, हरासमेंट को और हर्ट को भी क्रुएल्टी मानी है। इसके बाद हम बात करें इफ एनी स्पाउस हैविंग अफेयर आउटसाइड, यदि उसका अफेयर है बाहर यदि किसी स्पाउस का, और या एडल्ट्री है यदि महिला के अन्य कहीं पर संबंध है, तो ये जो है इट इज ऑल्सो कॉजिंग मेंटल हरासमेंट, ये भी पक्षकार को मानसिक प्रताड़ना देने वाला क्रूरतापूर्ण आचरण ही माना जाएगा। तो अनेक जजमेंट्स में अफेयर्स होना या एडल्ट्री होना ये भी क्रूरता की श्रेणी में रखा गया और इस आधार पे भी डिवोर्स दिए गए। कॉन्स्टेंट अब्यूजिंग, एक आध बार अब्यूज कर दिया तो इट इज नॉट, इट कैन नॉट बी ग्राउंड। एक आध बार अब्यूज करना, एक आध बार गाली गलौज कर देने से ये ग्राउंड ऑफ डिवोर्स नहीं हो सकता है। लेकिन परपेचुअली अब्यूजिंग, परपेचुअली यानी निरंतर रूप से कॉन्स्टेंटली अब्यूज किया जा रहा है, तो ये ग्राउंड ऑफ डिवोर्स माना गया है। मेंटल टॉर्चर, किसी भी ऐसी तरीके से टोकना, दहेज के लिए टोकना, ये सब बातें भी मेंटल टॉर्चर क्रिएट करती है और ये भी एक क्रुएल्टी के हिसाब से ग्राउंड माना गया है। फैमिली मेंबर्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अनेक केसेस में स्पाउस जो है वो एक दूसरे के प्रति तो अच्छा व्यवहार कर रहा है लेकिन एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स के प्रति गलत व्यवहार कर रहा है। तो एक कई जजमेंट्स ऐसे भी हुए जिसमें पति जो है वो पत्नी से तो अच्छा व्यवहार कर रहा है लेकिन पत्नी के घर वालों से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, या पत्नी जो है पति की तो केयर कर रही है लेकिन सास ससुर और जो घर के जो दूसरे ज्वाइंट फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ मिसबिहेवियर कर रही है, क्रूरता कर रही है, तो ये भी ग्राउंड माना गया है डिवोर्स का। इसके बाद है डज नॉट लाइक कंपनी, यदि कोई पार्टी ये कहती कि मैं आपकी कंपनी पसंद ही नहीं करता हूँ, मैं आपके साथ रहना पसंद नहीं करता हूँ, पति कह रहा है, पत्नी कह रहा है, तो ये परपेचुअली अगर इस प्रकार की कमेंट्स आते हैं तो ये भी मेंटल टॉर्चर यानी मेंटल क्रुएल्टी के अंतर्गत माने गए। तो ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने विभिन्न प्रकार के जो केसेस आते हैं उस केसेस में जो क्वांटम ऑफ द क्रुएल्टी है, छोटी मोटी चीजों को अवॉइड किया जाता है क्योंकि रिलेशन को बनाए रखना है, लेकिन यदि एक पर्टिकुलर सीमा के बाद भी वो वॉयलेंस, क्रुएल्टी बढ़ती है, इम्प्रॉपर कंडक्ट बढ़ता है, तो इसको क्रुएल्टी का आधार मानते हुए डाइवोर्स दिए गए हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कवर किया क्रुएल्टी एज द ग्राउंड ऑफ द डिवोर्स, आज हम लोगों ने कवर किया तलाक का कारण क्रूरता, तो क्रूरता भी तलाक का कारण आजकल हो चुका है और बहुत सारी जो फैमिली कोर्ट्स में जो पिटीशंस हैं वो इसी आधार पर लगाई जा रही है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी।